हेलो गाइस, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं मयंक दुबे आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले आज के हुए कंडक्ट हुए पेपर ALP RRB ALP टेक्नीशियन के बारे में। पेपर कैसा आया था, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आने वाले पेपर्स हैं उनमें क्या क्या आ सकता है, और ये आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देन कीप वॉचिंग अस टिल दी एंड। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं आज, आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब लीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको और हेल्प मिल सके। चलिए देखते हैं आज का जो एनालिसिस है वो कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर पैटर्न की। पेपर का पैटर्न, जैसे कि जो ALP की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको आइडिया होगा कि एक घंटे का पेपर है आपका, जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं। और जैसा पैटर्न आपको दिया गया था RRB के थ्रू, बोला गया था, आपसे बोला गया था 25 मार्क्स की आपकी साइंस आएगी, 20 से 25 मार्क्स की, 10 मार्क्स का आपका करेंट अफेयर रहेगा, और बाकी 40 मार्क्स के अराउंड आपका रहेगा मैथ्स और रीजनिंग। तो जैसा कि आज देखा गया तो मैथ्स का पोर्शन भी आया, लेकिन रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू मैथ्स। ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं आया, फिर भी मैथ्स रीजनिंग से थोड़ा ज़्यादा ही पूछा गया है। और अगर देखा जाए साइंस में, तो आपको पता नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो हम अब देखते हैं जो हमारा एनालिसिस है, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है आप लोगों के लिए, कि पेपर किस तरह का आ रहा है। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स से, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस से। भाई प्रॉब्लम ऑन एजेस से बहुत सिंपल से दो क्वेश्चन आए हुए थे, जो बहुत आसान तरीके से हो सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है ऑलरेडी, हमारे अपलोडेड वीडियो हैं, अगर वो देख लेंगे आप तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट में प्रॉब्लम ऑन एजेस से दो क्वेश्चन आए थे, सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, और थर्ड में भी एक से दो पूछे गए थे। और अगर हम देखें परसेंटेज की बात, तो परसेंटेज पहली शिफ्ट में परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में अगर देखा जाए परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों से क्वेश्चन थे। तो आपका ये वैरी कर सकता है एक से दो क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें, तो पहली शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सेकेंड थर्ड में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनकी भी रेंज है एक से दो। CI SI की बात करूं, तो पहली शिफ्ट में SI से बहुत सिंपल से दो क्वेश्चन आए थे। अगर हम जो डिस्कशन है, अगर आपको लग रहा होगा कि सर इसका डिस्कशन कब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हम नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाले हैं, जिसमें हम RRB ALP के टेक्नीशियन में पूछे गए सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे पास आएंगे, हम सब डिस्कस करेंगे आपके साथ, और हम उसके लिए आपको प्रोवाइड कराएंगे और भी शॉर्ट ट्रिक्स। तो बात करते हैं CI SI। तो SI का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए थे दो तरीके के। एक में आपसे पूछा गया था कि SI निकालना है, सिंपल सा आपको मूलधन दिया गया था, 1600 जैसे मूलधन दिया गया है आपको, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से निकालना था, तो आसानी से निकल सकता था। और अगर अब एक में पूछा जाए, तो आपको एक क्वेश्चन में मूलधन पूछा गया था, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, और मिश्रधन दे के रखा था। अब बात करें टाइम एंड वर्क की। जी हाँ, टाइम एंड वर्क से भी आपके दो तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अभी तक पूछे गए क्वेश्चन हैं। सबसे आसान आपका जो पैटर्न, पहले आप जानते हैं कि जो हमारा टाइप होता है कि 10 आदमी 10 औरतें, 4 आदमी 5 लड़के, इस तरह का पैटर्न आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया गया था। उस टाइप के क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ भी टफ इसमें नहीं है। और अगर बात की जाए दूसरा टाइप क्या पूछा जा रहा है, तो नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपका टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बात की जाए स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम की, तो पहली शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था, लेकिन दूसरी शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का अगर रिव्यू माने, तो वहाँ एक से दो क्वेश्चन वेरी करें। अब यहाँ पर बात करते हैं मैंसुरेशन। तो मैंसुरेशन में मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन ये भी वेरी कर रहा है। पहली शिफ्ट में मैंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था कोण पे आधारित, लेकिन वो मिक्स था, उसमें रेशियो पूछा गया था कोण और स्फीयर के बीच में एक कंडीशन देके, ठीक है। तो ये वाला आपका पोर्शन था। एडवांस मैथ्स की मैं बात करूं, तो एडवांस मैथ्स में भी आपसे एक से दो क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट की अगर बात करें, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी, जैसा स्टूडेंट्स रिव्यू दे रहे हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो इसलिए एक से दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहा है, ज़्यादातर पोर्शन जो मैंने ऊपर डिस्कस किया इसी से आ रहा है, बहुत ईजी आ रहा है, आप आसानी से कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ, नीचे लिखा है मैंने मैंसुरेशन दो बार हो गया है सर, मैंसुरेशन
मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम स्विच करेंगे आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, पार्टनरशिप का पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, दूसरी तीसरी शिफ्ट में बोला गया, तो वहाँ पर भी एक एक क्वेश्चन ही आया है। तो आप ये देखिए परसेंटेज पार्ट है आपका जो प्रॉफिट लॉस कवर करता है एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉफिट लॉस आप देख लो, पार्टनरशिप आप देख लो, CISI देख लो, सब किसके हैं, परसेंटेज के ही टॉपिक हैं। ओवरऑल इससे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ, एक टॉपिक मैंने आपसे अभी तक डिस्कस नहीं किया जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो सीधा स्क्वायर रूट पे था, जो 15376 आया था इसका आंसर था 124, 124 का स्क्वायर रूट था। और अगर हम देखेंगे अगली शिफ्ट जो थर्ड शिफ्ट में था आपका, उस थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया 324 है, तो स्क्वायर रूट तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर्स के बीच में रिलेशन पूछा है कि वो नंबर बताएं जिनके अंकों का अगर गुणनफल करें तो वो उस नंबर का जो गुणनफल आएगा वो उससे तीन गुना होगा वो नंबर। मतलब आपका है कि एक ऐसा नंबर जिसके अंकों का गुणनफल जो आए उससे वो नंबर कितना हो, तीन गुना हो, या उसका जो गुणनफल आया वो नंबर से एक तिहाई हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इस तरीके के बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो आपका आया था वो मोड मीडियन पे आया था, मतलब जो आपका क्वेश्चन बनता है मोड मीडियन और मीन, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो मैक्सिमम पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, नंबर सिस्टम से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी पूछा जा रहा है, तो वो आपसे रीजनिंग में पूछा गया था, सॉरी मैथमेटिक्स में पूछा गया था। आइए स्विच करते हैं हम रीजनिंग पर। रीजनिंग का अगर मैं आपके सामने डिस्कशन करूं तो स्टेटमेंट अजम्पशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने, 7 से 10, तो ये आपके लिए बहुत मेजर पार्ट हो जाता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी चाहिए आपको। बात की जाए जैसे कि दूसरा कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो ब्लड रिलेशन में भी 2 से 3 क्वेश्चन वैरी कर रहे हैं, वैसे 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। अगर सिलोगिज्म की देखूं तो 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था। फिर अगर बात करें डायरेक्शन डिस्टेंस, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में एक बात है, शेडो वाले क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप समझ रहे होंगे शेडो वाले मतलब छाया वाला क्वेश्चन पूछा गया था पहले शिफ्ट में, तो डायरेक्शन में शेडो वाले क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं। बात की जाए नॉन वर्बल पार्ट, तो देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स काउंट करने वाला भी आ रहा है, कि एक आपको डायग्राम दे दिया जाता है उसमें पूछा जाता है कितने ट्रायंगल्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ ही रहा है हर शिफ्ट में। दूसरी मैं बात करूं आपसे तो आकृति पे आधारित क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर मिरर इमेज जो यहाँ पर मैंने नॉन वर्बल पार्ट रखा है इसी के अंदर ये सब आता है, मिरर इमेज वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आ रहा है एक आपका। तो ये वाला जो पार्ट है नॉन वर्बल का, ये 5 से 10 से भी ऊपर थोड़ा बहुत जा सकता है, 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से आ ही रहे हैं अगर आप देखो। उसके अलावा हम देखें आकृतियां भी रहती हैं कि अब इसके बाद कौन सी आकृति बनेगी, 3 पैटर्न दे दिए, ठीक है इस पर आधारित क्वेश्चन आ रहा है। तो आपके नॉन वर्बल पार्ट से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम, तो आप नॉन वर्बल पार्ट पे ज्यादा फोकस करें जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं जो आपको पहुंचाएगा आगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग है तो स्कोर आप प्रैक्टिस करके कर लेंगे, लेकिन ये जो पार्ट है साइंस एंड करंट अफेयर्स, ये आपको पहुंचाएगा आपकी सक्सेस तक, मतलब आपके सिलेक्शंस तक, क्योंकि यही है वो मार्जिन जिससे सबसे ज़्यादा आप लीड ले पाएंगे। फिजिक्स की बात करूँ तो मैं 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछे जाने, कुछ भी हार्ड नहीं पूछा गया। केमिस्ट्री से भी ऐसे ही, आवर्त सारणी से, पीरियोडिक टेबल जो आपकी होती है उससे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में आए थे और भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री में। और फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था रेजिस्टेंस पर, उसके बाद आपसे पूछा गया था कि अगर एक किलो मेगावाट को कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था जूल में, तो ये 1 किलो मेगावाट कितने जूल के बराबर होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में भी बहुत रिएक्टिव क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये सब फिजिक्स से आता है। बायोलॉजी से भी बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाए, तो बहुत ही आसान सा जनरल साइंस के क्वेश्चन का पैटर्न रहा है। बात करें करंट अफेयर्स की, तो देखिए आप ध्यान रखिए ऐसा कुछ नहीं है कि 3-4 महीने पहले का ही करंट अफेयर पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछा गया है, क्योंकि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं पहले शिफ्ट में उनके बारे में पूछा गया था,
आपका CEO इलाहाबाद बैंक की कौन बने हैं अभी उनके बारे में पूछा गया था, राइटर से रिलेटेड उनकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ये देखिए अपॉइंटमेंट और नेम पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें करेंट में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली दूसरी चीज़ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था कि IPL की जो टीम है KKR उसके ओनर फरवरी 2018 से कौन है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट में। तो करंट में आपको आइडिया लग गया होगा कि कहां पे फोकस करना है और कहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिल सकता है। आई होप जो मैंने आज आपके साथ डिस्कशन किया है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज पे वीडियो बनाएं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वेदम कॉम्पिटेटिव क्लासेस और मैथ्स विद मयंक दो चैनल है हमारे, उसमें से आप किसी पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमें मैसेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इनका पूरा एनालिसिस तो लाऊंगा ही, सॉल्यूशन के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।